अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इमरान खान ने इंडिया के पायलट कैदी को इतनी जल्दी रिहा कर दिया, क्या ये सही फैसला है? अब इंडिया समझे ताकि इंडिया समझेगा कि पाकिस्तान डर गया है। भाई जो काम इमरान खान ने किया वो उससे पूछे ना। दूसरी बात ये याद रखो, हर काम में टांग अड़ाना हर एक से फूट नहीं करता। मसलन मैं यह तबसरा कर दूं कि उसने गलत किया है और वो ये कर लेता और कुछ कैदी छुड़वा लेता तो अच्छा होता, तो वाबा तो हो जाएगी। लेकिन बात यह कि मुझे क्या नॉलेज है कि हुकूमत के क्या इरादे हैं, वो किस मकाम पे बैठ के क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझते हैं कि जंग टालने के लिए हमें क्या करना है। इंसान डरता नहीं है बाज़ दफ़ा, लेकिन मसलहत देखो, नबी ने सुलह हुदैबिया में बहुत सारी ऐसी शराइत को तस्लीम किया है जो बज़ाहिर मुनासिब नहीं थी, तो क्या नमाज़ अल्लाह नबी डर गए थे? नबी के पास 1400 ऐसे सहाबा थे जो मौत पे बैत कर चुके थे, अगर डरे होते तो मौत पे बैत थोड़ी की होती, और नबी ने खुद मौत पे बैत करवाई उनको। तो डरने वाला ना मौत पे बैत करवाता है ना मौत पे बैत करता है। ये तो अपना वो इमेज बता दिया कि हम डरने वाले लोग नहीं, हम तो मौत पे बैत करते हैं कि उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक शहीद नहीं हो जाते, जिंदा वापस आने का प्रोग्राम ही नहीं है। लेकिन मसलहत का तकाजा क्या था कि भाई जंग को टाला जाए। तो अब मुझे नहीं पता पीटीआई के जो सदर हैं या जो जो रहबर हैं और जो हमारे वजीर आजम हैं उनकी क्या सोच थी। वो तो जब आदमी मिले और एक घंटा बैठ के गपशप लगाए और फिर जो इसके मुखालिफ राय रखने वाले हैं उनसे भी एक घंटा बैठ के बातचीत करे और तमाम पहलुओं को सामने रख के तमाम पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को प्लस माइनस करके जवाब निकाल के फिर कोई बात करेगा। जब तक ऐसा नहीं है तो हम यही कहेंगे भाई हमारी हुकूमत ने कुछ किया तो सोच समझ के किया होगा, क्योंकि खामखा कीड़े निकालना भी शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। जब तक कोई दलील ना हो तो मैं उस पर खामोश हूँ और मैं बल्कि अप्रिशिएट ही करूँगा भाई, जब तक उसके खिलाफ कोई बहुत मजबूत दलील नहीं। खिलाफ भी दलील है, बाद लोग कह रहे हैं फलां इतने कैदी छुड़वा लेते, अच्छी बात है छुड़वा लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्यों नहीं छुड़वाए, क्या था उसके सामने, ये मैं और आप नहीं जानते। तो हमारे एक उस्ताद ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा देखो जब मियां बीवी में शादी होती है तो मुबारकबाद दी जाती है कि जोड़ पैदा हो गया, हालांकि इस बात का भी इम्कान है कि तलाक हो जाए और ये शादी नाकाम हो जाए। सारी शादियां कामयाब होती हैं क्या? मुमकिन तो है ना, ये भी मुमकिन है बेजोड़ का रिश्ता हुआ हो, क्या ख्याल है? ये भी मुमकिन है कि जल्दबाजी में शादी कर ली, बहुत सी चीज़ें देखने की थी वो नहीं देखी। ये भी मुमकिन है आपको पता हो कि लड़की बदअखलाक है और ये अब शौहर का सुकून बर्बाद होने वाला है। ये भी मुमकिन है आपको पता हो कि चर्स पीता है और लड़की वालों को नहीं पता था, पता चलेगा। सारे अहतमालात होते हैं लेकिन फिर भी जब शादी होती है आप वलीमे में जाते हैं तो मुबारकबाद देते हैं, भाई मुबारक हो मुबारक, क्योंकि जोड़ जहाँ भी होगा तो मुबारकबाद दी जाएगी, हालांकि उसमें खतरात भी होते हैं। अब आपको पता है लड़का चर्स पीता है तो ऐसा नहीं होता आप लड़की वाले से मिले कि बहुत अफसोस हुआ पता चलेगा आपको क्या कहेगा वलीमे में आया क्यों है भाई, और वह लड़के वालों से कह रहा है मरवा दिया फंस गए गए काम से। जब भी वो शादी होती है जोड़ होता है लोग कहते हैं यार जो चलो जो होना चाहिए था क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था ये पहले की चीज़ है, अब जो हो गया तो वलीमा भी होगा बारात भी होगी मुबारकबादें भी होंगी लिफाफों के रिश्वत के तबादले भी होंगे, क्या ख्याल है? फिर जब फड्डा होगा तो देखा जाएगा। तो अगर इमरान खान हमसे पूछ के फैसला कर रहा होता तो फिर हम भी मशवरा करते, आपसे भी पूछता लोगों से भी पूछता कि यार रिहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हुकूमत ने तो फैसला कर दिया, अब खुश मना लो यार, टेंशन से क्या मिलेगा आपको, सही किया हो गलत किया हो लेकिन इससे एक जोड़ के लिए किया है ना, तो जब कर दिया तो अब उस पर खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है? क्योंकि अगर ये बिलफर्ज गलत फैसला है तो हमसे क्यामत में सवाल नहीं होगा। तो हम तो इसलिए खुश हैं कि चलो यार एक जोड़ पैदा हो रहा है, पायलट देखो हमने नहला धुला के उसको माशाल्लाह साफ सुथरा करके चाय पिला के पैसे भी नहीं लिए चाय, मेरे पास व्हाट्सएप पे बिल आ रहे हैं कि पाक आर्मी की तरफ से ना कि वो चाय के इतने कप और ये वो पूरा वो ऐसे लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर फैसला करने से पहले हमसे तो फिर हम 100 दफा सोचते और इस पर तबसरा भी करते, इस पर बयान भी करते, भाई ये पहलू भी है ये, जब हो गया ना तो खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। अलबत्ता आपके अगर कोई कैदी वहां पर हैं तो वैसे आप अलग से दबाव डालें गवर्नमेंट पर कि भाई अब आपने एक बंदा छोड़ा है तो उनके भी तो बात करो यार, हमारे ऐसे अखलाक हैं तो आप भी तो अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो। इस पर फोकस करना चाहिए हुकूमत को, जो काम हो गया उसमें
वो नहीं करनी चाहिए, तो हो गया वो जोड़ की, जब शादी हो गई तो ठीक है, अगले बेटे की जब शादी होने वाली हो तो उससे पहले बता दो यार इस दफा तो कर ली लेकिन आइंदा हमसे मशवरा कर लेना, वो जो हो गई उसको मुबारकबाद ही देंगे, गलत तो नहीं कह रहा। अल्हम्दुलिल्लाह।